दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हाल में कोई एग्जाम हुआ है, उसकी पीडीएफ मेरे पास आई थी, तो उसकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज आपको पता यूनान का राजदूत था, और यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत सेल्कस निकेटर का नाम आप जरूर सुने होंगे, उसी का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो चार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, चारों आपको पता होनी चाहिए। पहली वाली राजगृह या गिरव्रज में हुआ, दूसरी वाली वैशाली में हुआ, तीसरी वाली पाटलपुत्र में हुआ, चौथी वाली बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में किया गया। तो ये RBPK याद रखिएगा, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलपुत्र, चौथी कुंडलवन में होती। अब इसका इम्पॉर्टेंट अगला है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो पहली की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है, दूसरी की जो अध्यक्षता की जाती है वो सावकामी के द्वारा की जाती है, तीसरी की अध्यक्षता यानी तीसरी आ रहा तो अंत में तीसरी से तिस बना लीजिए, मोगल पुत्र तिस के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की जाती है, और चौथी जो बौद्ध संगीति है जो कुंडलवन कश्मीर में हुई, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? उपाध्यक्ष पूछे तो अब उपाध्यक्ष अश्वघोष होता है। कौन होता? अश्वघोष होता है। अगर शासकों की बात किया जाए कि कौन किसमें शासक था, तो चौथी बौद्ध संगीतिक आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्र के काल में हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क काल में किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब सीधे इस पे क्वेश्चन पे क्या पूछा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थान पूछा कहाँ हुआ, हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। तो RVPK, तो यहाँ वी से क्या हो जाएगा, पाटल पुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने यानी के खिलाफ गुजरात में एक तालुका बारडोली आंदोलन किया। तो आपको पता है कि 1928 में गुजरात के बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है, क्योंकि वहां पर भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जिसे HSRA के नाम से जाना जाता है, इसका नाम ये यस पहले नहीं था, इसकी स्थापना 1924 में की जाती है, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब मिल करके इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन इसका नाम परिवर्तित किया जाता है कब, 1928 में। 1928 की फिरोज शाह कोटला मैदान जो नई दिल्ली में है, वहाँ पर इसका नाम बदल करके HRA जो था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1928, यानी ये डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है। देखो, वैसे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, ये है बरेही पानी जलप्रपात। लेकिन बरेही पानी जलप्रपात असल में स्थित है उड़ीसा में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर स्थित है, और कावेरी नदी बहती केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बहती है। तो यहाँ पर यानी ये बरेही पानी जलप्रपात इसका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ कर्नाटक ये ना लगाता कि कावेरी नदी पर स्थित है, तब ये आपका बरेही पानी जलप्रपात हो जाता, तो ये आपका इसलिए नहीं होगा। जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये सरावती नदी पे है,
और शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये भी नहीं होगा। अब बचा नोह कलिकाई जलप्रपात। नोह कलकाई जल जो प्रपात है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बचा है ऑप्शन शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है और ये भारत का सबसे दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ जलप्रपात से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका कुंची कल है। कोई उल्टा सीध कमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसका UPSC के द्वारा आयोग ने कुंची कल को भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात माना है। तो यहाँ पर उल्टा सीध कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुंची कल ये वराही नदी पर है। किस नदी पे है? वराही नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये ऊंचा अगर पूछा जाए तो कुंची कल आप लगाइएगा। दूसरा एक जलप्रपात और सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, बरकाना। बरकाना जलप्रपात कहाँ है? तो ये बरकाना जलप्रपात कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके अलावा जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार हो गया, इसके अलावा कपिल धारा हो गया, इसके अलावा दुग्ध धारा, ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। चाहे धुआंधार पूछे, कपिल धारा पूछे, दुग्ध धारा पूछे, ये तीनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं। तो ये प्रमुख जलप्रपात जो थे हमने बता दिया, और बाकी हैं और आप अपना तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर जो बरेही पानी जलप्रपात आगे पूछ भी लिया जाए तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। ध्यान रखिए जो जलप्रपात बताई दिए आपकी शरावती नदी पे है, शिमोगा जिले कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही हमने एक जलप्रपात अभी और बताया बरकाना जलप्रपात भी कहाँ है? कर्नाटक में है। नोह कलिकाई जलप्रपात, इसको हमने कहाँ है? नोह कलिकाई जलप्रपात है मेघालय में है। मेघालय के अन्य भी है, उनका आप लिखिएगा कौन कौन से हैं। इसके अलावा धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, जो ये जलप्रपात हैं ये कहाँ हैं? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? यानी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी जो ये पूर्वोत्तर भारत में आप चलेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, इसके बाद ये त्रिपुरा के बाद ये मेघालय के बाद ये असम के बाद ये सिक्किम, जो ऐसे ये पूर्वोत्तर के राज्य फैले हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता? यानी इसमें बहुत सारी हिल्स हैं जिनमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, अरुणाचल प्रदेश में डपला, मिरी, एबोर हैं। तो ये आपकी मिसमी, ये हिल्स यहाँ पर पाई जाती। नागालैंड में लुसाई, मिजोरम में मिजो पाई जाती है। तो यहाँ पर नागा भी हो गया, मणिपुर में मणि हो गई, मिजो में मिजोरम हो गया। अलग कौन है? सेवराय की पहाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाती, ये दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। अगला, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। 1953 में भारत में मृदा संरक्षण के लिए एक बोर्ड बनता है। कन्फ्यूजन यहाँ देखिए, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि इसका नाम क्या था? सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड का गठन। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। 1953 में भारत में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, ये आपको दिख नहीं रहा लेकिन हम बोल देते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू किया करने का निर्णय लिया, जो अगस्त महीने में शुरू हुआ। तो आप यहाँ एक क्लू दे दिया, अगस्त महीने में शुरू हुआ था। तो ये आपको पता है कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक, इसमें ऑपरेशन आवर के अंतर्गत जितने शीर्ष के नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने अगस्त को ये शुरू हुआ था और महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था,
इसके अलावा अन्य जो शीर्षस्थ नेता थे उनको किस जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम देख लेते हैं। अगला पूछा गया कि जो केरल व कर्नाटक में वर्षा होती है जब लौटता हुआ मानसून आ रहा होता है, यानी पूर्व मानसून वर्षा यानी होना सा आम बात है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल कर्नाटक में जो वर्षा होती है, क्योंकि आम को पकने में मदद करती है। आम को पकने में क्या करती, यानी मानसून के पहले यहाँ पर आने के पहले वर्षा होती है और ये आम को पकने में मदद करती है, इसी को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्ति और तेज़ धूप युक्त लगभग कितने दिन होना चाहिए? तो 210 दिन पाला नहीं गिरना चाहिए, 210 दिन पाला मुक्त रहना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और कपास की खेती काली मृदा या रेगुर मृदा में की जाती है। अगला, बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, आनुवंशिकी विज्ञान अभियांत्रिकी इसको प्रदान किया गया है। अगला, राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थापित किया गया? तो यहाँ लिख भी दिया राउरकेला, तो आप इसको एक कोड बता रहे हैं, राज दवा दवा भूसो, भूसो नहीं यानी मिलाओ आपस में दवा, ये राज कोई नाम है तो उसको कहा जा रहा। तो राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। और ये आपका भिलाई, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। और इन सब का यानी जो ये स्थापना की गई थी 1955 में इनकी स्थापना की गई थी, लेकिन इनका उद्घाटन किसी का 1959 में हुआ। मोस्टली का इसमें उद्घाटन जो उस समय के माननीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1959 में उद्घाटन किया गया था, लेकिन स्थापना इसकी नींव 1955 में ही डाल दी गई थी। तो राज दवा भूसो से याद रखिएगा, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, और उसके बाद फिर आपका यानी भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है ये कब किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, सो यानी सा से यहाँ, सो से सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। तो यहाँ राउरकेला पूछा है, तो राउरकेला में राज यानी जा से क्या हो जाएगा, जर्मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आसान क्वेश्चन था। अगला, कर्नाटक के होसपेट में स्थित कौन सा इसमें से संयंत्र है जो स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था और या स्थानीय लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो आप इसमें देखिए, नहीं भी पता तो ऑप्शन काटना, तो आपको सीख ही गए होंगे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, तो ये काट दीजिए नहीं। बोकारो संयंत्र अभी बताएं, बोकारो, अच्छा नहीं बताएं, बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, तो इसको भी काट दीजिए। उसके बाद भिलाई अभी बताएं, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी कट गया। और यहाँ क्यों कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हॉस्पिटल कर्नाटक में होना चाहिए, तो इसका आंसर पहला वाला सही जवाब हो जाएगा, विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो ऐसे अगर नहीं भी पता तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सीधे सही आंसर बता सकते हैं। किशोर जनसंख्या को सामान्यतया किस आयु वर्ग में समूहित किया जाता है? तो इसका वैसे 12 से 18 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष की आयु को यानी किशोर के अंतर्गत माना जाता है। चूंकि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो हम इसमें देखिए क्या रख सकते हैं, तो ये आप इसमें मान सकते हैं 13 से लेकर के 19 वर्ष की आयु को के बीच को किशोर माना जाता है, तो ये डी होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन को शुरू किया था? तो ये 1952 में हो जाएगा, 1952 में परिवार नियोजन को लागू किया गया था। और 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। और 1901 साल बाद 1953 में राष्ट्रीय एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना को भी 1963 में लागू किया गया था। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर, यहाँ परिवार नियोजन पूछा है, तो 1952 में परिवार नियोजन को अपनाया गया था।
अगला, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या किसी दिए गए वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या के प्रति 1000, मध्य वर्ष के दौरान पूरे देश में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या कुल जनसंख्या के प्रति 1000, मध्य वर्ष के दौरान यानी किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के लिए जनसंख्या में होने वाली जन्मों की संख्या। अगला, किसी दिए गए वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या के प्रति 1000, मध्य वर्ष के दौरान पूरे देश में जनसंख्या में होने वाली जन्मों की संख्या। चूंकि यहाँ पर लिख दिया है, मृत्यु दर पूछ लिया है, तो यहाँ देखिए जन्मों की संख्या ये भी कट जाएगा, जन्मों की संख्या ये भी कट जाएगा, जन्मों की संख्या यानी जन्म जन्म तीन लिखा है, तीनों काट दीजिए, यानी दो लिखा था, तो यानी ये आपका सी भी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन दो बचे हैं, ए और बी। अगर ए और बी की बात करें तो ये में क्या लिखा, किसी विशेष क्षेत्र में प्रति हज़ार जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में यानी पूरे ये विशेष वर्ष में देखा जाता है, विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या, ये ऑप्शन ये है, किसी दिए गए वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या के प्रति यानी अशोधित मृत्यु दर पूछा, तो प्रति 1000 मध्य वर्ष के दौरान 1000 मध्य वर्ष के दौरान पूरे देश में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। तो अशोधित मृत्यु दर की जब बात आती है तो ये आपकी क्या, विशेष वर्ष यानी एक वर्ष के दौरान जो मौतों की संख्या होती है उसको अशोधित मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे आइए, अगला, आधार जनसंख्या क्या है? किसी निश्चित समयावधि के अंत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या ये क्या आधार वर्ष कहलाएगी? एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में, देखो आधार जनसंख्या का मतलब हुआ शुरू की जनसंख्या। मान लो कोई बिल्डिंग बनाते हो तो न्यू जैसे डालते हो शुरू में क्या था, तो उसी प्रकार आधार जनसंख्या का मतलब हुआ कि निश्चित एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र में हुए जन्मों की कुल जनसंख्या, किसी निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र में हुई कुल मृत्यु की संख्या। यहाँ आधार जनसंख्या पूछा है तो आधार जनसंख्या का मतलब हुआ कि एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की जनसंख्या। इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे, प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे, पंथी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिए अगर पंथी नृत्य पूछता है तो ये पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आगे क्वेश्चन आते हैं, कुछ करंट के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत को वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपको पता है कि अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप भारत में होने जा रहा है, ये 2022 का भारत में होगा, तो ये क्वेश्चन ये सीधे बनेगा 2022 का कहाँ हुआ होगा, भारत में होगा। अब यहाँ डेट पूछा है कब होगा, तो ये होगा 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच, 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 के बीच भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने 10 अक्टूबर 2021 को अपनी 83वें मिनट की स्ट्राइक के रूप में 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल मार्क कर महान जो पेले की बराबरी कर ली थी? तो ये कौन थे? ये फुटबॉलर थे सुनील छेत्री के द्वारा ऐसी बराबरी की गई थी, तो ये पेले के बराबर कौन पहुंच गए थे? सुनील छेत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, अक्टूबर 2021 में किस साहन ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सऊदी अरब में इसकी सऊदी अरब के द्वारा मेज़बानी की गई थी, और सऊदी अरब के शहर जद्दाह में इसकी मेज़बानी की गई थी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी, इसी नीति को 1988 में संशोधित किया गया था। तो यहाँ पर 1952 यानी पहला आंसर ये 1952 दिया, ये सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1952 की है, संशोधन पूछता तो 1988 हो जाती। प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से यानी वन्य जीव अभियानों में से एक है, किस कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973,
इसका आंसर 1973, इसी के पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। अगला, एक औषधि पौधा जिसे किस नाम से जानते हैं, इसी को हिमालयन यू के नाम से जानते हैं। औषधि पौधा है, ये मेडिसिनल प्लांट है जिससे कई प्रकार की मेडिसिन प्राप्त की जाती है। यह भारत में हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हुआ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जैसे एनसीईआरटी आप क्लास 11th की रीड करेंगे, वहाँ साफ साफ हिमालयन यू के बारे में लिखा हुआ है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। इसके नामित हुआ इलेक्टेड यानी नॉमिनेटेड व इलेक्टेड सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें ओनली इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की का पूछे तो 54 में है, जिसमें कौन बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुनाव होता। राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिएगा, यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 66 पूछा था, तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित इसका है। अगला, केंद्र राज्य सरकार की संबंधों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, ये सबको पता होगा। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो ये 1983 का सरकारी आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित हो, ग्राम पंचायतों के संगठन DPSP का आर्टिकल जो 40 है वह इसी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र 1700 विघटन से संबंधित है, तो यानी आर्टिकल जब 85 आप रीड करेंगे तो 85 में बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास से पावर है कि वह सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। तो ये सत्रावसान, लोकसभा का विघटन, ये सब और सत्र को आहूत करने की पावर भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 में दी गई है। और समान अभिभाषण अगर राष्ट्रपति का पूछे तो समान जो अभिभाषण की बात की गई है वो आर्टिकल किस में की गई है, आर्टिकल 86 में। लेकिन 87 की आर्टिकल 87 स्पेशल अभिभाषण की बात करता है, जो पहली लोकसभा का जब गठन हो रहा होता है और प्रत्येक वर्ष की पहली यानी जो सत्र होता है उसका संबोधन राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता, उसी को विशेष अभिभाषण कहा जाता है और विशेष अभिभाषण का उल्लेख आर्टिकल 87 में किया गया है। तो कुछ यहाँ पर हमने आर्टिकल आपको बता दिया है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में से पानी भी संगठित हो जाता, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या धुंध, कोहरा, धुआं, तुषार, इसे किस नाम से जाना जाता, तो इसे धुंध के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके तो चैनल को की लिंक को सब यानी शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।